हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। आज हम आ गए हैं बहुत ही खास काम करने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो जो हमारे लिए कार्ड्स बनाने वाले हैं, उनके पास हम आज जा रहे हैं। हम आ गए हैं बांद्रा एंड उनसे आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि हमें किस तरीके का कार्ड चाहिए, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है और वो हमारे लिए क्या बेस्ट डिजाइन कर सकते हैं। सो आई डोंट नो इफ द डिजाइनिंग विल हैपन टुडे और नॉट, बट जो भी है आप तो देखेंगे ही, डिजाइन अभी नहीं देखेंगे, है ना। मैं जैसे मैंने कहती हूँ हमेशा कि थोड़ा सा बताऊंगी, थोड़ा सा बाद में दिखाऊंगी तो उसका मजा आएगा। सो मेरे साथ हैं यहाँ पे धर्म दादा, गाड़ी चला रहे हैं, और ये पीछे आरती और अभिषेक। सो चलिए चलते हैं। स्टूडियो में एंटर करते ही इजहार ने जो भी इनवाइट्स वगैरह ऑलरेडी बनाए हैं फॉर देयर क्लाइंट्स, जैसे दीज आर फॉर बेबी शावर, ये सब कुछ जो सेक्शन है, फिर ये सब कॉरपोरेट वगैरह के लिए है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। बेसिकली दे आर इनटू इनवाइट्स एंड गिफ्टिंग, मतलब हैम्पर्स बोथ। और ये हाल ही में इन्होंने फिल्म फेयर का इनवाइट किया था, ब्लैक एंड गोल्ड वाला। यस, सो आई एम हियर इजहार गिफ्टिंग एंड इनवाइट्स, दैट्स द नेम। और मैं इनके ऑफिस में हूँ, जो बहुत मुंबई वाले ऑफिस में हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और अट्रैक्टिव है। एंड मी बीइंग यू नो ऑलवेज दैट क्रिएटिविटी वाला लवर, तो मैं तो घुसते ही मतलब मुझे ऐसे लगा कि हाँ, आज मैं बड़े अच्छे काम के लिए आई हूँ। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू विजिट सच प्लेसेस। एंड अब हम सबसे पहले बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके का कार्ड चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और फिर आई एम श्योर ये पूरी टीम जो यहाँ पे है ये मुझे अपने इनपुट्स देंगी, एंड देन इंशाल्लाह वी कम आउट विद समथिंग वेरी गुड। द एंटायर वेडिंग इज हैपनिंग इन द विलेज, विच इज आवर विलेज नियर कानपुर। सो एंटायर वेडिंग इज हैपनिंग देयर, ऑल द रस्में आर हैपनिंग देयर। सो ये सबसे पहली मीट है मेरी इन लोगों के साथ, तो ये एकदम बेसिक वाली है जहाँ मैं इनको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि हमारी चॉइसेस क्या है, हमारी वेडिंग की पूरी थीम क्या है, फील क्या है। उसके बाद ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को दिमाग में रख के कुछ अच्छा सा डिज़ाइन करेंगे, टीम अपनी इनपुट्स देगी, देन दे विल कम आउट विद अ डिज़ाइन, और वो हम सबको जो भी पसंद आएगा दैट वी विल अप्रूव, या हम उसमें कुछ चेंजेस करने बोलेंगे। तो ये जस्ट इनिशियल स्टेप है जिसके लिए मैं आ जाई हूँ। अंदर जो भी करना है वो जो कस्टमाइजेशन है दैट विल डू अकॉर्डिंग टू यू, यू नो व्हाट, दिस इज रियली नाइस, दिस इज रियली नाइस। Okay. You know, you can put Kesar or something like that. Okay. Whatever you want. So okay. You can make a summer version. Yeah. This is also very pretty. So in these jars, we can put whatever we want. Yes. Can I open this? Yeah, sure. You will get it, right? I'm very prone to breaking things. Oh, that's okay. Ha. I love this also. तो ना यू टेल मी व्हाट यू कैन गिव मी। सो दिस इज फॉर द क्लाइंट, इज फॉर द यूएस क्लाइंट। देयर इज गोइंग टू बी अ लोगो फॉर बोथ ऑफ देम, श्योर। तो वो हमारे वेडिंग प्लानर्स जो है कस्टमाइजेशन जो भी रहेगा ना, सो वी कैन ऐड दिस काइंड ऑफ अ लोगो फॉर देम, देन समथिंग इन दिस प्रिंट आल्सो यू कैन गिव। येस, सो यहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी वैरायटीज़ हैं कार्ड्स की, मतलब वन बेटर देन दी अदर। मैं अभी सिर्फ चार पांच ऑप्शंस में ही मैं कंफ्यूज हो गई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये भी अच्छा है, हाँ ये भी अच्छा है। सो सबसे पहले मैं आपको पूरी टीम से इंट्रोड्यूस करती हूँ। ये है शिखा, जो खुद भी शूट करने में बिजी है, बट दैट्स द फन, यू नो। एंड शी इज मलिका एंड ही इज हमद, सो दे आर असिस्टिंग मी विद एवरीथिंग। एंड ऑब्वियसली ये तो पहली मुलाकात है, आगे जैसे मैं भी इन्हें और जानूंगी, आप भी मेरे साथ साथ इनको और जानेंगे। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो जार्स में जब भी है, सो व्हाट इज बेटर, इज ड्राई फ्रूट्स बेटर और शुड वी हैव, मैम यू कैन ट्राई आवर एडिबल्स आल्सो, वी हैव वेरी डिफरेंट varieties in that. Okay. Instead of dry fruits, we have nice chocolate hazelnuts and all. Nice. That is like something of food. Instead of dry fruits, correct. It's very common. तो देखिए मेरी टेस्टिंग यहाँ पे चल रही है, क्यों वो आप या तो समझ जाएंगे या मैं बाद में बताऊंगी। जो भी है बहुत यम है, मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। कुछ तो सस्पेंस रहना चाहिए, जब कार्ड बन के आएगा।
बहुत यम्मी है ये। अब मैं ऐसे में डाइट कहाँ करूँ बताओ। सो दे हैव दिस लवली वैरायटी जो कि आप अगर अपने कार्ड में जार्स में वगैरह रख के देना चाहो तो वो एक ऑप्शन है खाने के लिए। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ नमकीन है, तो बहुत ही यमी था सब कुछ। क्या हाल अच्छा तो यहाँ पे ये सबसे पहले ये टीम है। ओके दैट्स शो इट दैट्स माय हस्बैंड ब्राइड्स ब्रदर। सो जो कुछ भी हमने थोड़ा सा प्लान किया था और जो भी मुझे कार्ड्स अच्छे लगे थे वो सारे मैंने शोएब को भी दिखाए, उनको भी बताया, तो उन्होंने भी अपने इनपुट्स थोड़े बहुत दिए ताकि जब टीम हमारे लिए जो कार्ड होगा उसे डिज़ाइन करने बैठेगी तो ये सबके इनपुट्स एक साथ जो हैं वो काम आएंगे। सो इसीलिए ये सारे कार्ड्स हमने शोएब को भी दिखाए। मानना पड़ेगा सच में यहाँ पे इजहार के स्टूडियो में ना इनके पास कार्ड्स वैरायटीज ऑप्शंस किसी चीज़ की कमी नहीं थी एंड इनका एंथुजियाज्म एंड वॉर्म्थ इतना अच्छा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक के बाद एक हम और कार्ड्स ये मुझे दिखाते चले गए। एट नो पॉइंट दे वांटेड मी टू फील कि यू नो गो बैक होम थिंकिंग कि अरे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देखे। सो दैट वाज वेरी स्वीट। और ये मैंने अपने हिस्से का पाप कर लिया, तुम लोग करो। ये देखो क्या लेके आए हैं, ये देखिए मैं रोज उठती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आज मैं एकदम स्ट्रिक्ट वाली डाइट करूंगी, या तो ये दोनों मुझे ले जाकर के हाई पॉइंट पे खिला देते हैं। और आज ये देखो ये नहीं। चलो आरती खाओ। I'm fasting. अरे यार ये तो बच गई। मैम कर लो, काम कर लेना। अभिषेक तू कॉफी पी रहा है ना, चलो चॉकलेट कॉफी गोज वेल। चलो देन आई विल हैव अ कॉफी एज वेल। आई हैव But I'll be happier if we have some flowers like this. Yes, correct. Because as I said, it's looking more of a reception feel. Yes, yes. Like a reception party feel, not very. क्योंकि शादी तो हो चुकी होगी. नहीं तो अभी reception के लिए that concept. Yeah. लीजिए आ गई हमारी कॉफी। अब मैं इनका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ ना, तो मैं खा लूंगी कुछ। What's this? चिकन पाव। करेक्ट, तो आप मुझे बता देना, डिटेल्स व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ब्राइड नेम ग्रूम नेम ये सब डिटेल्स वगैरह बता दूंगी। कुछ कार्ड्स में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग है, जैसे कि ये देखिए, ये जो खिड़कियाँ बनाई हैं ये हर एक लेज़र कट से बनाई हैं। आई मीन हाउ इम्प्रेसिव, जस्ट लुक एट दिस, सो प्रिटी। थैंक यू सो मच फॉर द लवली ट्रीट। थैंक यू सो मच, मतलब मज़ा भी आया, कार्ड भी देख लिया, एंड एज वी ऑलवेज सेड अर्लियर दैट द वाइब वाज राइट। सो चलिए अब चलने का वक्त। कॉफ़ी बहुत बढ़िया थी और बनाने वाले थे ये। अब मैं जब भी आऊंगी आपको मुझे कॉफी पिलानी पड़ेगी। थैंक यू। एंड निकलने से पहले पहली मुलाकात की कुछ प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनती है ना। सो हमने काफी हद तक डिजाइन जो है वो चूज कर लिया है। वो कभी कभी होता है ना कि एक नजर में अच्छा लग गया, वैसा हो गया है। एंड मैंने शोएब को भी वीडियो कॉल करके दिखाया, तो उनको भी वो बहुत अच्छा लगा। बट अब जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं या थोड़ा अपना फ्लेवर ऐड करना है वो ये करेंगे, क्योंकि ये पूरा नोट्स ले चुके हैं कि हमें कैसा चाहिए, क्या चाहिए। एंड आई एम श्योर बहुत जो आउटकम होगा वो बहुत अच्छा होगा।
तो वो जैसे जैसे मैं आऊंगी वैसे वैसे आपको अपडेट मिलेगा. बट फॉर नाउ दिस फर्स्ट विजिट वॉज वेरी फ्रूटफुल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि अब जो प्रोडक्ट फाइनल आएगा वो कैसा होगा. Thank you so much. It was lovely coming here. Thank you. Bye bye. Thank you. See you. Bye bye. Thank you. Nice meeting you. Same here. Bye bye. Yes. Thank you. मज़ा आ गया सच में. आज की मीटिंग बड़ी मज़ेदार रही, काम भी बहुत अच्छा हुआ. सो उसके बाद हम बांद्रा में ही थे, तो हम बांद्रा में आ गए जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ कुछ सामान लेना था. आज मैं शोएब की फेवरेट मटन बिरयानी खा रही हूँ. डोंट वरी, मैं आपके लिए पार्सल लेके आऊँगी. मिस यू. तो रात के 9:05 हो रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, बहुत ज़्यादा. और हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे इतने ज़्यादा थक गए और पक गए कि हमने डिसाइड किया कि चलो शुएब के सेट पे चलते हैं. आज शुएब का 10 पैकअप है, तो हम उनके साथ 1 टाइम पास करते हैं, तब तक ट्रैफिक कम हो जाएगा, फिर साथ में निकलेंगे. तो फिलहाल हम जा रहे हैं शुएब के सेट पे. अजोनी के सेट पे. अरे बाहर ही बैठे हो. गाने चला. ये आपका अड्डा है. सुना, इनके मुंह से कॉम्प्लीमेंट्स का ही तो इंतजार रहता है. ये देखो, ये डेंगू के बाद जनाब कुछ ज्यादा ही ठीक हो गए हैं. हैं, तुम दो दो बैग लटकाए घूम रहे हो. कैसे डेंगू बैग का है. और ये जनाब आ गए हैं अपनी सीन के लिए. चलो बेटा, सब कम बैग एंड गो फॉरवर्ड. ए फर्स्ट को लास्ट वाला उधर पीछे देखा तुमने. एंड चार्ज शो एक्शन. और बस फिर हो गया शोएब का पैकअप, तो हम सब निकल गए घर के लिए. आ गई हूँ मैं वापस घर और शोएब चले गए नीचे अड्डे पे थोड़ी देर के लिए. तो मैं किचन में बैठी थी क्योंकि मैंने अपने लिए हॉट चॉकलेट बनाया, मैंने पी लिया. तो मैं सोचा कि चलो यहीं से आप ये ब्लॉग को जो है एंड कर देती हूँ, आपसे थोड़ी गप्पे मार लेती हूँ. सबसे पहली बात तो थैंक यू शोएब. मुझे ना ऐसे जो एक लाइन में बोल देते ना अच्छी लगी, मुझे वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती. मुझे वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है. और शोएब को ये पता है और मुझे भी पता है कि जब भी मैं झुमके उमके पहनती हूँ तो उनको मैं बड़ी अच्छी लगती हूँ. तो इसलिए मैं हमेशा जब ऐसे कुछ ज़्यादा झुमके उमके पहन के जिस दिन मैं रेडी होने का एक दिन बहुत कम मैं ऐसा एफर्ट लेती हूँ. बट यू नो आजकल बड़ी जैसे घर में शादी होने वाली है तो वाइब है पूरी. तो इसलिए मैंने भी सोचा कि अब तो रोज़ मस्त बैंगल्स वैंगल्स पहन के झुमके उमके पहन के वैसे ही घूमेंगे, लगना चाहिए ना शादी वाले घर से. क्या बोलते हैं आप, है ना. सो आज जब मैंने इंस्टा पे फोटो डाली थी तब भी शोएब का मैसेज आया था कि अरे वाह बड़ी अच्छी लग रही हो. तो इसलिए मैं जब सेट पे गई थी तो थकान के मारे मैंने इयररिंग्स उतार दिए थे, लेकिन जब मैं सेट पे एंटर होने वाली थी तो मैंने वापस पहन ली क्योंकि मुझे पता था शोएब को अच्छे लगेंगे. इट्स आई थिंक ये एक हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल चीज़ होती है कि आप वो चीज़ें जान के करें जो आपको पता है कि सामने वाले को पसंद है और आप उस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्रेव करें, भले आपको वो रोज़ मिले और वो रोज़ वन लाइन मिले. एंड या दैट्स अबाउट इट. और एक एक करके काफ़ी काम जो है उनकी शुरुआत होती जा रही है. कॉस्ट्यूम्स का तो आपको पता ही है. कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम के लिए जाना है, तो कल थोड़ा बिजी डे होने वाला है और कल ऐसे एकदम भागने वाला दिन होने वाला है क्योंकि कल मैं दूर जाने वाली हूँ, थोड़ा इम्पॉर्टेंट काम है. एनीवेज मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, मैं जैसे जैसे व्लॉग आप देखेंगे वैसे वैसे आप मेरे साथ बने रहेंगे. पता नहीं मैं क्या बोलूँ क्योंकि मैं बहुत थक भी गई हूँ. तो आई डोंट नो, बट इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड अ लॉट ऑफ गुड वाइब्स एंड दिस ऑल एट द एंड ऑफ द डे इज टू सी सबा के चेहरे पे वो स्माइल जब उसका स्पेशल डे होगा, जब उसकी सारी यू नो दैट ऑल द रस्में, उसका निकाह का दिन, बापरे मतलब मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, वो रिसेप्शन का दिन, वो वलीमा की शाम, वो जब उसके चेहरे पे स्माइल होगी ना, दैट्स ऑल दैट वी वांट. ओह माय गॉड मैं इमोशनल हो गई. पर हर फैमिली की फीलिंग यही होती है कि
हर चीज करो, उतनी जिसकी कैपेसिटी में है उतनी करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द ब्राइड एंड द ग्रूम शुड बी वेरी हैप्पी. एंड हमारे लिए तो हमारी ब्राइड जो है वो बहुत 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 ज्यादा स्पेशल है. सो ये जो कुछ भी है ये सवा, ये सब सिर्फ 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 तेरे लिए है. एंड बस यही उम्मीद करते हैं हम सब, अम्मी, शोएब, मैं, पापा, रिजा, रेहान, सब लोग, खाला और ये सब 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 लोग, कि उस दिन जो भी हो तू, ये जो पूरी तेरी ये पूरी रस्में होंगी उसमें तेरी कोई ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए. हर किसी को बोलना चाहूंगी कि आपके घर में जो भी दुल्हन है, जो भी दूल्हा है, दूल्हा भी, लड़कों को क्यों भूलो यार, उनकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहनी चाहिए, और ख़ास करके दुल्हन की कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहनी चाहिए. तो जो भी कीजिए, जैसी भी तैयारियां कीजिए, सब में एक बात ये मन में जरूर रखिए कि उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे. अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि जैसा सबा ने सोचा है, जैसा उसने इमेजिन किया है, जो वो चाहती है उससे भी ज्यादा हो, ताकि वो बहुत 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 ज्यादा खुश रहे. यू नो, नई जिंदगी की शुरुआत है, शुरुआत ही खुशियों से हो तो जिंदगी इंशाल्लाह खुशियों से भरी रहेगी. और इन दोनों के लिए तो दिल से हमेशा यही दुआ होगी. बड़ी इमोशनल नोट पे आ गई, मैंने सोचा नहीं था ऑनेस्टली. चलिए ये ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, कल ही मिलते हैं. बने रहिए, मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि शोएब बहुत बिजी हैं, तो मैं सारी तैयारियाँ कर रही हूँ. तो जैसे शोएब कमिटमेंट निभाते हैं, वैसे इस बार मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से कमिटमेंट निभाऊँ और आपको हर ब्लॉग का हिस्सा बनाए रखूँ. अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा.